जी, अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं जो बाइडन, उनकी अब जो पोजीशन है वो बहुत साफ़ और वाजे हो चुकी है। ऑलमोस्ट तमाम मीडिया हाउसेज ने उनके हक़ में जो इलेक्शन रिजल्ट्स को कॉल कर लिया है। एपी के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 290 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स इस वक्त जो बाइडन के पास मौजूद हैं, और जॉर्जिया के अंदर भी उनकी ऑलमोस्ट जो है वो लीड नज़र आ रही है। एंड इफ़ दैट इज़ द केस और वो जॉर्जिया से जीते हैं तो 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जॉर्जिया की भी उनके पास आ जाएंगे और उनके 306 हैं वो टोटल हो जाएंगे। हमने देखा कि एज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट उन्होंने कल रात को जो अपनी विक्ट्री स्पीच की है, पूरी जो अमेरिकी आवाम है उसकी तवज्जो जो है वो स्पीच के ऊपर मरकूज़ रही। टेलीविजन स्टेशंस, रेडियो, ऑनलाइन जो है वो नाज़रीन ने उसको देखा और सुना। उसके अंदर उन्होंने अपनी जो तरजीहात है वो उसका जिक्र किया कि अमरीका में अब हीलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, क्योंकि वो जो रेशल डिवाइड का जो अमल जो स्टार्ट हो चुका था उसको वो ख़त्म करेंगे और एक हीलिंग है, एक हीलिंग के प्रोसेस के उन्होंने बार बार जिक्र किया कि वही जो हीलिंग है अब वक्त आ गया है कि जो ये जो अमरीकी कौम है वो हीलिंग की तरफ जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना वबा के पर काबू पाने के हवाले से अपनी तरजीहात का जिक्र किया कि वो एक ग्रुप तश्कील देंगे, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे जो जो इस वबा पर काबू पाने के हवाले से एक मरबूत जो है वो हिकमत अमली जो है वो तश्कील देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, उन्होंने इकानमी का जिक्र किया और अपनी दीगर तरजीहात का जिक्र किया। जी